खबर मंगलूर से। जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 8 सितंबर तक नारसन विकासखंड कार्यालय पर 840 पदों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 1012 और ग्राम प्रधान पद के लिए 512 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसके अलावा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के पद के लिए 315 आवेदन जमा किए गए हैं। वहीं नारसन विकासखंड कार्यालय में पंचायत चुनाव के लिए कुल 1839 नामांकन पत्र जमा किए गए हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार जनपद में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 26 सितंबर को कराया जाएगा, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं पूरी की जा चुकी हैं। वहीं निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि नामांकन पत्रों की जाँच शुरू हो चुकी है। यदि किसी आवेदनकर्ता के आवेदन में उचित समय के अनुसार कोई कमी पाई जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा। मंगलोर से राहुल सैन की रिपोर्ट। ये 3 दिवस जो अधिसूचना में दिए गए थे नामांकन दाखिल करने के लिए, उन तीनों दिवसों में ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 1012 आवेदन, प्रधान सदस्य के लिए 512 आवेदन और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 315, इस तरह से कुल 1839 आवेदन नामांकन पत्र कल शाम तक दाखिल किए गए हैं। जी, तो जैसे ही नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को उसके फॉर्म में एक रसीद दी जाती है, जिसमें लिखा जाता है कि उसको स्क्रूटनी के लिए इस दिन को इस तिथि इस समय पर बुलाया गया है।